हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा फॉर्म 10 BT कैसे रिवाइज करना है उस पे है। क्या लॉजिक है, जैसे आप रिवाइज कर सके, अगर आपको कोई रिवाइज करना है या डिलीट करनी है कुछ एंट्री ओरिजिनली जो आपने फॉर्म 10 BT फाइल किया था, या कोई मिस्टेक हो गया तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। पर अभी जो फॉर्म 10 BT फाइल करने में एरर्स आ रहे हैं वो बेसिकली डेट फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो एरर है एरर में एक्सप्लेन किया जाता है कि डेट फॉर्मेट आपको क्या यूज करना है, उसी डेट फॉर्मेट में आप डालें। बट कौन सी फाइल में, जो ओरिजिनल फाइल थी जिसको आपने डाउनलोड करके फिल किया था उसमें आपको डालना है, CSV फाइल खोलकर नहीं डालना है। तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल फाइल डाउनलोड हुई थी उसके बाद आपने उसको CSV बनाया था, ओरिजिनल फाइल में ही आपको डेट फॉर्मेट को करेक्ट करना है और उसके बाद अगेन CSV जनरेट करके अपलोड करना है। तो ये डेट फॉर्मेट का एरर है क्योंकि कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी कि डेट फॉर्मेट बस अब यही है करके, क्योंकि पिछले साल तक था बट अब वो चेंज होता जा रहा है। हम रिवीजन के लिए क्या करेंगे, रिवीजन के लिए आपको इनकम टैक्स में लॉगिन करना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पर आपको फॉर्म 10 BT ओपन करना है। याद रखिए हम ऑलरेडी फॉर्म 10 BT फाइल कर चुके हैं इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। जब आपको फॉर्म 10 BT मिल जाएगा, कहाँ पर पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, फाइल नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ओरिजिनल और रिवाइज पूछेगा। तो आप ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फाइल करें तो ओरिजिनल करेंगे, रिवाइज करना है तो रिवाइज पे क्लिक करेंगे। अब एक सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था कि उनने जब ओरिजिनली फाइल किया था तब उन्हें फाइनेंशियली गलत सिलेक्ट कर लिया था, 23-24 कर दिया था, तो अब उसको कैसे करेक्ट करें। तो करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर रिवाइज पे क्लिक करना है और जो 23-24 है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपने फाइल किया ओरिजिनली वो फाइनेंशियल 23-24 का है, तो रिवीजन भी 23-24 होगा एंड उसके बाद जो भी एंट्रीज है वो आपको डिलीट करनी है और ओरिजिनल 22-23 के लिए फाइल करना है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी रिवीजन की बात कर रहे हैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा है। तो आपको रिवीजन फाइनेंशियल ईयर 22-23 सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे जाना है, लेट गेट स्टार्टेड, बेसिक इंफॉर्मेशन को आपको एज इट इज सेव करना है चेक करके। अब डिटेल्स ऑफ डोनर एंड डोनेशन, यहाँ पर पहले ये जो एक्सपोर्ट 10 BE जनरेटेड इनटू CSV इसको डाउनलोड करना है। ये फाइल कौन सी है, ये फाइल है जब आपने ओरिजिनली फॉर्म 10 BD फाइल किया था तो उसके रिगार्डिंग जो 10 BE जनरेट हुए हैं, हर डोनर की जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो इस फाइल में आपको मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल जब हमने फाइल किया था फॉर्म 10 BD तो उसमें ये नंबर ऑफ एंट्रीज थी, इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर बताना होगा टेम्पलेट में, उसके बाद इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर पे अपडेट होगी इंफॉर्मेशन। अब टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, तो टेम्पलेट के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल में जाना है, यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट का आ रहा है, डाउनलोड करना है ये टेम्पलेट। अब ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें रिवीजन और डिलीशन का ऑप्शन आएगा। देखिए ये टेम्पलेट है रिवीजन से रिलेटेड, रिवाइज, ऊपर आप देख सकते हैं नाम क्या है टेम्पलेट का, फॉर्म 10 BD डोनेशन रिवाइज। अब आपको जो जो एंट्रीज आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म 10 BD में एंट्रीज थी उसमें से जो भी एंट्री को आपको रिवाइज करना है उसका एक्नॉलेजमेंट आपको टेम्पलेट में डालना है, पहले सीरियल नंबर, एक्नॉलेजमेंट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के बाद ही उस एक्नॉलेजमेंट में ही डिटेल्स अपडेट होंगी। आईडी कोड आपने उस जो ओरिजिनल फॉर्म 10 BD है उसमें आपने पैन नंबर दिया था तो पैन नंबर, या पैन को ही चेंज करना चाहते कोई और आइडेंटिटी दे चाहते तो वो आप कोई जो भी चेंजेस आप कर सकते हैं, बट एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको लिखना जरूरी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब पैन है तो पैन नंबर बताना पड़ेगा।
एंड एटीजी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आईडी कोड में आपने पैन आधार जो भी आपको सिलेक्ट करना है कोड, उसके बाद पैन अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको उसका नंबर बताना है। सेक्शन कोड क्या है जिसमें डिडक्शन, तो 80G, यहाँ पर आपको यूनिक नंबर जो आपको मिला है रजिस्ट्रेशन का वो 80G से रिलेटेड। डेट ऑफ इश्यूएंस क्या है आप वो लिखें जब आपको 80G मिला है। अब इसके आगे आपको नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस, डोनेशन मोड, मोड ऑफ डोनेशन कैश, काइंड, इलेक्ट्रॉनिक, अदर, और अमाउंट कितना है। लास्ट में आपको बताना है कि आप ये एंट्री को रिवाइज कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक ओरिजिनल फॉर्म 10BT में कोई एंट्री है वो डिलीट करनी है, जैसे ये फर्स्ट एंट्री है ये मुझे डिलीट करनी है, तो ये पूरी की पूरी एंट्री मैं लिखूंगी। ये पूरी की पूरी एंट्री लिखी है और लास्ट में अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे सिलेक्ट करूंगी कि ये डिलीट ही कर दे, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है, या मुझे कुछ रिवाइज करना है इसमें, कुछ एड्रेस गलत हो गया या अमाउंट गलत हो गया, 5,000 था, रिवाइज करना है, तो यहाँ मैं रिवीजन पे क्लिक करूंगी। बस आपको वो एंट्रीज डालनी है टेम्पलेट में, रिवाइज टेम्पलेट में, जो आपको रिवाइज करनी है या डिलीट करनी है। ओरिजिनल एंट्री अगर सब कुछ सही है तो उसको आपको टेम्पलेट में फिर से नहीं देनी है, क्योंकि रिवीजन का मतलब है कि एक जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ है डोनर वाइज उसी में हम डिटेल्स को अपडेट कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर में ही अपडेट कर रहे हैं। तो होप आपको ये रिवीजन समझ आया होगा। अब ये जो टेम्पलेट बनी है इसको आपको CSV में सेव करना है एंड इनकम टैक्स पोर्टल में उसको अपलोड करना है CSV को। जैसे आप अपलोड करेंगे फिर नॉर्मल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और जो रिवाइज 10BE है वो आपको डोनर को देना है। तो जब भी आप रिवाइज कर रहे हो फॉर्म 10BD किसी भी डोनर से रिलेटेड, तो आप अपने डोनर को कह दें कि हम आपका जो फॉर्म 10BE है वो रिवाइज कर रहे हैं, तो आप अभी डिडक्शन क्लेम नहीं करें और उसको रिवाइज 10BE ही दे। तो ऐसे आप एक फॉर्म 10BD को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।